अच्छा सुधीर तैयार? यस। ये मेरा अंगूठी और ये ब्रेसलेट तुम रखो। अरे नहीं, ये सोने का अंगूठी और ये ब्रेसलेट मैं नहीं रख सकता, सोने का है भाई। अरे देना पड़ेगा भाई, जान बुझाई है। नहीं नहीं मैं नहीं रख सकता भाई। अरे प्लीज ले लो। नहीं नहीं मैं नहीं ले लो। अरे नहीं नहीं ले सकता मैं। ले लो। आप इतना डांट के इतना प्यार से दे रहे तो मैं ले लेता हूँ। चलो यारो फटाफट गोकुलधाम चलते हैं, वहां पे सब लोगों को ये रिकॉर्डिंग दिखाते हैं, ये देख के सब लोग खुश हो जाएंगे। चलो 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 जेठिया, पूरी बात बताना। हाँ। अरे बापू जी, जैसा हम चाहते थे वैसा ही हुआ, अभी सुबह भीड़ छूट जाएगा। जेठा भाई जल्दी से बताइए ना, क्या सबूत मिला है? बताते हैं माधुरी, अभी बताते हैं। अय्यर भाई सबूत दिखाओ जरा। गॉड, ये तो धनराज ने भीरे भाई के साथ जैसा किया था, सेम टू सेम ऐसे ही हुआ है। उस रात भी इसने इतना ही पिया होगा, इसलिए इसे याद नहीं कि भीरे भाई ने इसकी जान बचाई। बेचारे भीरे भाई का एहसान मानवाने बदले एवं नच फंसा भी दिया। कुछ तो धीरे बहन, अब आप चिंता मत कीजिए, सबूत मिल गया है, अब तो भीरे भाई निर्दोष छूट जाएंगे। अगर हम में से किसी के साथ ऐसा कुछ हुआ होता और हम फंसते तो भिड़े भी वही करता जो हमने किया है। यह तो हमारा फर्ज है, हम यारों के यार हैं और भिड़े हमारा खास यार है। सोनू बेटा, रोना और थैंक यू बोलना कैंसल। वैसे जेठा भाई आपने एक्टिंग मस्त किया। उनको पहले हीरो ही बनना था। ए? अरे वाह, अच्छा अभिनय कर। हाँ जेठा जी, आपने बहुत अच्छी एक्टिंग की। थैंक यू बबीता जी, थैंक यू। मुझे क्या लगता है, हमें सबूत मिल ही गया है तो अभी के अभी पुलिस स्टेशन चलते हैं लो। हाँ। नहीं नहीं माधवी भाभी, अभी हम लोग पुलिस स्टेशन नहीं जा सकते। क्या हम लोग अभी पुलिस स्टेशन जाएंगे, ये सबूत दिखाएंगे तो पुलिस पूछताछ के लिए धनराज को पुलिस स्टेशन बुलाएगी। धनराज क्या है, धनराज अभी नशे में तो ठीक से जवाब नहीं दे पाएगा। और दूसरा क्या, चालू जी पांडे जी अभी ड्यूटी पर नहीं होंगे। लेकिन हमसे पहले धनराज पुलिस स्टेशन पहुंच गया और उसने चोरी की कंप्लेंट की, तो वो तो हमारे लिए अच्छा ही है ना, क्योंकि हमारे पास तो सबूत है। उसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि हमने कोई चोरी नहीं की है, उसने हमको गिफ्ट दी है। तो अगर वो कंप्लेंट करेगा हमारे खिलाफ तो उल्टा वो खुद ही झूठा साबित होगा। बराबर। माधवी भाभी आप चिंता मत कीजिए, बस आज की रात भिड़े को थोड़ी तकलीफ होगी, कल सुबह वो हम सबके साथ यहाँ गोकुलधाम सोसाइटी में होगा। बिल्कुल बिल्कुल, डोंट वरी माधवी भाभी। चलो अभी अपने अपने घर जाके सो जाते हैं, कल सुबह होते ही पुलिस स्टेशन पहुंच जाएंगे। ओके ओके माधवी भाभी, चिंता मत कीजिए। शांत हो जा। ये मोर्चा लेकर कहाँ जा रहे हो भाई? अरे पांडे जी, हम मोर्चा लेकर नहीं आए हैं। तो अहो, अब बेकसूर साबित होने वाले हैं अभी। हाँ,
भिड़े मास्टर, हम धनराज के खिलाफ सबूत लेके आ रहे हैं। सबूत मिल गया? अरे आत्माराम, ये धनराज झूठा है, इसका सबूत हमको मिल गया है। अरे वाह वाह वाह, अरे सबूत मिल गया, मैं छूटने वाला हूँ, मैं छूटने वाला हूँ। थैंक यू मेरे गोकुलम के दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। पांडे ब्रा, अपना पिड़ू कोर्ट से पहले आपके यहाँ से ही छूट जाएगा। अच्छा कैसे? एक आदमी बोलो तो मुझे समझ आएगा इसमें ये हो चल रहा है। मुझे लगता है एक दिन आप लोगों की वजह से ना मुझे माइग्रेन हो जाएगा। एक आदमी बोलो, एक बताते हैं। देखो आपको सब बताते हैं, लेकिन सबसे पहले आप ये ब्रेसलेट और ये अंगूठी रख लीजिए। तुम मुझे समझते क्या? पाटिल शिंदे कदम, इस आदमी को गिरफ्तार करो और सीधे हवालात में डालो। यस सर। तुम एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर को रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हो? मेरी शक्ल पर मत जाओ, मैं रिश्वत नहीं लेता। पांडे जी आपको गलतफहमी हुई, हम आपको रिश्वत नहीं दे रहे हैं। अरे पांडे जी, हम लोग गोकुलधाम वासी हैं, सच्चे और ईमानदार। भाई मांगने पर भी रिश्वत ना दे तो बिना मांगे आपको रिश्वत कैसे दे सकते हैं? सवाल ही पता नहीं होता। सही बात है पांडे जी, आप पहले पूरी बात तो सुन लीजिए। हाँ पांडे ब्रा, आप तो सच्चाई सुने बगैर ही सीधे शुरू हो गए। अरे सुन रहा था, ये बीच में रिश्वत दे रहे तो कैसे फिर? मेहता साहब एक काम कीजिए, ये ब्रेसलेट और ये जो अंगूठी है अभी अपने पास ही रखिए, और चालू जी पांडे जी को पूरी बात विस्तार से बताइए। पांडे जी को कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। अंडरएस्टिमेट करते हो? एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर को अंडरएस्टिमेट करने के जुर्म में मैं तुम्हें गिरफ्तार कर सकता हूँ। पांडे जी, भाई मैं जीवन में किसी को अंडरएस्टिमेट नहीं करता हूँ। पता नहीं कौन शादी के लिए रिश्ता लेकर आए। अभी मेरे कहने का मतलब ये है कि पांडे जी को क्लिप दिखा देते हैं ना, वो खुद ही समझ जाएंगे। मतलब कैसे क्लिप? एक मिनट अय्यर भाई। हाँ मैं दिखाता हूँ। हाँ अय्यर भाई, अरे आप खाली कैमरा दे दो, देख लेंगे भाई। लाओ ना कैमरा, दो लाओ कैमरा। मैं रहा है ना तो पंखे मालूम नहीं पड़ेंगे। अब देखिए सर, अभी आपको धनराज के झूठ का सच पता चल जाएगा। धनराज की सच्चाई जानने के लिए हम लोगों ने एक प्लान बनाया, उस प्लान को कल रात एग्जीक्यूट किया और उसे इसमें रिकॉर्ड कर लिया। सारी सच्चाई इसमें देख लीजिए। ये जंप किसने मारा? बड़ा जंप। पांडे साहब देख लिया ना सबूत आपने? इंस्पेक्टर पांडे, इससे ये साबित होता है कि नशे में धुत धनराज ने जैसे अपना जान बचाने के लिए जेठालाल को ब्रेसलेट और सोने का रिंग दिया था, ठीक वैसे ही उस रात को धनराज ने अपना जान बचाने के लिए सोने के बिस्किट से भरा हुआ बैग आत्मराम को गिफ्ट कर दिया। यही सच है। सही बात है। बरोबर बरोबर बरोबर। और इससे साफ जाहिर होता है कि भिड़े ने चोरी नहीं की है, इसलिए इसे बाइज्जत बरी किया जाए। प्लीज शांत हो जाइए। हवलदार साहब, आप जल्दी से दरवाजा खोलिए ना लॉकअप का। पोपटलाल तुम जाओ जल्दी, फटाफट रिक्शा बुला के लेके आओ, हम लोग भिड़े को फटाफट गोकुलधाम सोसाइटी लेके जाते हैं। अरे भाई भिड़े को एक बार बाहर निकलने दो, जितनी चाहिए उतनी रिक्शा मिल जाएगी। भिड़े अब तुम आजाद हो। एक जवान, इस पुलिस स्टेशन का इंचार्ज मैं हूँ, मैं डिसाइड करूंगा कौन सा पंछी अंदर रहेगा और कौन सा पंछी उड़ेगा। सॉरी चालू जी, पांडे जी आपकी बात सही है, इधर के बॉस तो आप ही है। हाँ जी हाँ, और चालू पांडे जी आप ही इसी पुलिस स्टेशन के बॉस हो, आप फटाफट ऑर्डर दे दो ताकि पिड़ू फटाफट लॉकअप से बाहर आ जाए। ए, छोड़ दे, कोई बच्चों का खेलो जो अपने मर्जी से खेलो। अरे बात कानूनी प्रक्रिया से करनी पड़ती है मुझे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे पांडे साहब, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। असल में बड़े बेकसूर है और बाइज छूट जाएगा, इस उत्साह में हम लोग भूल गए थोड़ा सा ये प्रक्रिया। इसके आप प्रक्रिया कीजिए प्लीज।
पांडे जी आप जल्दी से अपनी प्रक्रिया पूरी कर लीजिए ना और भिड़े मास्टर को छोड़ दीजिए। अरे भाती भाई भिड़े तो अब छूट ही जाएगा, वो तो कंफर्म हो गया। लेकिन भिड़े को छोड़ने के पहले सर अब वो आप ब्रेसलेट और अंगूठी ले लीजिए। भिड़े को छोड़ने से पहले मुझे आप लोगों से एक बात पूछनी थी। मैं बता रहा हूँ। इस वक्त इनको क्या बात करनी है? पगना, मुझे छोड़ने के बाद ही बात कर सकते हैं ना। नहीं तो क्या है? क्या आप लोगों को मुझसे कोई दुश्मनी है क्या? कीगल का रोल पैक है पांडिप्रा। नहीं क्या है कि पहले आप लोग खुद क्राइम में इन्वॉल्व होते हो, फिर उसकी कंप्लेंट लिखवाते हो और खुद ही सॉल्व कर देते हो। मेरे हिस्से में तो कुछ आता ही नहीं। तो वही बात हो गई कि दूल्हा खुद बाराती बन गया और दूल्हा दूर से बैठकर शादी देख रहा है। अरे नहीं नहीं पांडे जी, हम तो चाहते हैं कि दूल्हा आप ही बनो। अरे नहीं भाई, दूल्हा मुझे बनना है। ओ बिना दुल्हन के दूल्हे साहब, यहाँ पे दूल्हा शब्द का प्रयोग मुहावरे में हो रहा है, असली दूल्हा नहीं। एक मिनट पोपटलाल, चालू जी वो दरअसल बात यह कि हमारा दोस्त ये आत्माराम तुकाराम भिड़े बेचारा बेकसूर होने के बावजूद भी उसके ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा, तो क्या है कि वो जल्द से जल्द छूट के वापस घर आ जाए, इसलिए हम जरा ये केस को सुलझाने में लग गए थे। अच्छा, उसके लिए माफी चाहते हैं सर, लेकिन अब आप धनराज को जल्दी से जल्दी बुलाकर कल रात का हाल पूछिए। देखिएगा उसे कुछ याद नहीं होगा और फिर तो आपको यकीन हो जाएगा ना कि वो एक नंबर का झूठा है। पांडे जी अभी सारे सबूत आपके सामने हैं, तो प्लीज इनको छोड़ दीजिए ना। थोड़ी जल्दी छोड़िए। हाँ। माधवी बहन, दया बहन, पुलिस हर काम सबूत के आधार पे करती है। आप लोग जो सबूत लाए हो उससे ये साबित होता है कि धनराज पीने के बाद सामान को ऐसे ही बांटने लगता है। लेकिन इससे ये कैसे साबित होगा कि भिड़े बेकसूर है? और हमारे पास कंप्लेंट ये है कि भिड़े ने धनराज को बेहोश करके उसका सोना लूटा। भिड़े ने सोना नहीं लूटा है, उसका सबूत है आप लोगों के पास? भाई, अरे कहीं ना भी रहता हूँ। कुछ वीडियो क्लिप वगैरह है? एक काम कीजिए ना, चालू जी, पांडे जी आप धनराज को बुलाइए ना, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जेठालाल मुझे ऑर्डर दे रहे हो? नहीं मैं कौन होता हूँ आपको ऑर्डर देने वाला। नहीं नहीं, आप धनराज को बुलाइए, ऐसा मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, कदम सर, धनराज को बुलाओ। सर मैंने धनराज को बुला लिया। बुला लिया है? कब? सर इन सबको देखते ही मुझे अंदाजा आ गया कि धनराज की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने बुला लिया। वाह होशियार है। शाबाश शाबाश पांडे सर। तो आप लोगों ने इसको भी बिगाड़ दिया, इसको भी सिखा दिया चालू पांडे को केस सॉल्व करने से रोका जाए। कुछ भी हो जाए चालू पांडे को क्रेडिट मिलनी नहीं चाहिए। पांडे जी आपने बुलाया मुझे? मैंने नहीं बुलाया, इन्होंने बुलाया। जरा पाटिल बताओ क्यों बुलाया, बता दो। हाँ बोलिए। सॉरी सर। अच्छा धनराज, आपको कुछ मेरे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। पूछ सकता हूँ ना भाई? नहीं, अगर आप लोगों की इजाजत हो तो पूछ लो। आपको मेरे सवालों के जवाब देने होंगे, लेकिन सिर्फ मुझे। कैसे सवाल? आइए बैठिए। मिस्टर धनराज, कल रात आप कहाँ थे? क्यों? पुलिस के सवाल के सामने सवाल नहीं पूछते। अरे यार, मैं भी वही बोलने वाला था ना, तुम लोगों से पूछ के ही मैंने शुरू किया था ना। करने दो सर। तो कल रात आप कहाँ थे? वो दिखाए ना अभी आपको उसमें। अरे जेठालाल, मैं तुमसे नहीं पूछ रहा हूँ, मैं इनसे पूछ रहा हूँ। अरे आप मेरी ओर देख के बोल रहे थे तो मुझे लगा कि आप मुझे पूछ रहे हैं कि कल रात मैं कहाँ था, तो वो तो बताया ना आपको। गलती हो गई जेठालाल। नहीं नहीं, इट इज ओके, प्लीज। तो मिस्टर धनराज, कल रात आप कहाँ थे?
कल मैं अपने ज्वेलरी के शोरूम में था। ज्वेलरी शोरूम के बाद आप कहाँ थे? क्यों? अभी आप नहीं बोले कि पुलिस के सवाल के सामने सवाल नहीं करते? नहीं, मैंने बोला लेकिन मन में बोला। क्या जोर से बोलता हूँ तो आपको बुरा लगता है ना, इसके लिए। So sweet of you, जेठालाल। तो मिस्टर धनराज, कल रात ज्वेलरी शोरूम के बाद आप कहाँ थे? शोरूम से मैं अपने घर गया। पक्का? 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 Of course. इसे आप जानते हैं? अरे हाँ, ये तो मेरा ही चेन और अंगूठी है। आपके पास कहां से है? मुझ पर डाउट करते हो? नहीं नहीं सर, मैं ये पूछ रहा था कि आपको किसने दिए। पुलिस का सवाल के सामने सवाल नहीं करते। थैंक यू जेठालाल। वैसे जेठालाल, तुम्हारी कमर कितनी है? 38। ऐसा इनको लगता है पर है नहीं, इनकी कमर तो 40 की है। वो 38 का पैंट है ना, वो तो ऐसे ऐसा करके पहनते हैं। अरे 38 की है भाई, तू क्या बफट कर रही है सबके सामने यार। 40 की है टुकू के पापा, मैं कह रही हूँ ना। एक मिनट, वैसे चालू जी, पांडे जी, आप मेरी कमर के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? हाँ, पुलिस के सवाल के सामने सवाल नहीं करते। अरे आप भाई, मेरा सवाल बनता है क्योंकि ये केस के साथ मेरी कमर का क्या लेना देना? सही बात है, है, है लेना देना है। तुमने कितने सारे केस सॉल्व किए हैं और यहाँ खड़े होकर इतने सवाल कर रहे हो, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना तुम्हारे नाप की वर्दी ही बना दूं। बनाना क्या है टप्पू की पापा, पुलिस के काम में भागदड़ बहुत रहती है और अगर कहीं भागते भागते बटन टूट गए और फिर बीच रास्ते में पैंट सर गए। अरे तू क्या कर, वो व्यंग कर रहे हैं, क्या कर रही है तू? आई चल ले आंसर। सॉरी चालू जी, पांडे जी, सॉरी। हाँ तो मैं कहाँ था? मेरे घर पे। मैं तुम्हारे घर कब आया भाई? मेरा मतलब आप उससे सवाल पूछ रहे थे कि शोरूम के बाद में कहाँ गया था, मैंने कहा मेरे घर पे। अच्छा, तुम्हारे कारण नहीं जाते यूज हो रहा है। एक वो रेड बटन। मैं नहीं बोला, ये भाई बोले। सॉरी सॉरी। देखना मिस्टर धनराज, अब तुम्हारा झूठ सामने आएगा। तुमने हमारे भोले भाले ईमानदार दोस्त आत्माराम तुकाराम भिड़े को फंसाया जो है ना, और उसको फंसाया जिसने तुम्हारा जान बचाया है। अब हम तुम पर पीड़ू को फंसाने का केस करेंगे। अब हम तुम्हें जेल भिजवाएंगे मिस्टर धनराज। मैं तुम्हारी दुनिया हिला दूंगा। तूफान एक्सप्रेस के फ्रंट पेज पर आर्टिकल लिखूंगा कि भाई देखो देखो इस इंसान को जिसने सच्चे और ईमानदार शिक्षक की लाइफ बिगाड़ दी। कुछ देर बाद देखना मिस्टर धनराज, आप वहां भीड़ की जगह अंदर नजर आएंगे और भीड़ बाहर होगा। यस, तुम लोग फिर से शुरू हो गए। लगता है आप सबके नाप की वर्दी बनवानी पड़ेगी। अगर तुम लोगों की इजाजत हो तो धनराज को मैं क्लिप दिखा दूं। सॉरी सॉरी, ये लीजिए रेड बटन। नहीं नहीं नहीं, इस बार मैं नहीं बोला, ये जयदलन। मतलब मैं ये कह रहा था कि रेड बटन ऐसा यार भाई बोलना मत, उनको तकलीफ होती है। चालू जी, पांडे जी को ऐसा, इसलिए आपको बोला यार भाई रेड बटन मत बोलना ऐसा। अब मैं दिखाऊं?
तरह फटक पड़ ले। इसे कहते हैं चारों खाने चित्त होना। ऊंट पहाड़ के नीचे और धनराज सबूत के नीचे। ऐसा सबूत दिया है हम लोगों ने, सबूत की ऐसी गुगली फेंकी है कि दिमाग चकरा गया धनराज का। भाई सबूत तो सबूत होता है, जब सबूत बोलता है तो अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है, और हमारे सबूत का कोई तोड़ धनराज के पास नहीं है। बस जरा सी दूरी रह गई है भिड़े के बेगुनाह छूटने में, जैसे आखिरी बॉल पे एक रन बनाना हो इतनी सी दूरी। अब होगा सच्चे का बोलबाला और झूठे का मुंह काला। एक मिनट, ये मेरी आंख क्यों फड़फड़ा रही है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं होने वाली? रास्तों में ऐसा ही होता है, रास्ते में जब मोड़ आता है ना तो आगे क्या है दिखता नहीं है, और जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जो सामने है वो सच नहीं होता। कहीं गड़बड़ तो नहीं होने वाली, कहीं धनराज हमारे खिलाफ कुछ करने बैठे? ये सबूत जो हम पेश करने वाले हैं ये सब ठीक तो रहेंगे? कहीं हमारा दाव उल्टा ना पड़ जाए? हमारा ये दाव उल्टा पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, लेकिन इतना जरूर तय है जो भी होगा आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। क्या सोच रहे हो मिस्टर धनराज? चालू जी, पांडे जी वो कुछ सोच नहीं रहे हैं, उनकी बोलती बंद हो गई है। हंस क्या रहे हो, हमने कोई झोंक मारा? हाँ। हेलो दोस्तों, अगर आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट्स सबसे पहले चाहिए तो जाइए हमारे YouTube चैनल पर और सब्सक्राइब कीजिए।